नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल जीनेट सलेमपुर पे। मैं विराज गुप्ता आप लोग का बहुत ही स्वागत करता हूँ। आप लोगों के पास अलग अलग तरह की न्यूज़ आ रही है, थी कि यूजीसी की गाइडलाइंस आई हैं कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के एग्जामिनेशंस नहीं होंगे और फाइनल ईयर के एग्जामिनेशंस कराए जाएंगे। फिर जाकर के कुछ ऐसे भी खबरें उठ रही है कि फाइनल ईयर वाले एग्जामिनेशंस भी हो सकते हैं टल जाए। पिछले 6 जुलाई को आए हुए यूजीसी के नोटिफिकेशन में कुछ ऐसी ही जानकारी थी। फिलहाल आप लोगों के सभी कंफ्यूजन को मैं दूर करने वाला हूं। इस न्यूज को आप आखिर तक देखिएगा ताकि आपको मैं समझा सकूं अच्छे से कि आखिर क्यों नहीं कोई निर्णय लिया जा पा रहा है कि हमारे एग्जामिनेशंस जो बचे हुए हैं यूजी पीजी चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी के हो, स्टेट यूनिवर्सिटी या फिर हमारे राज्य से बाहर की यूनिवर्सिटी हो, आखिर ये क्यों ऐसा हो रहा है कि बार बार निर्णय आते हैं और बदल जाते हैं। और बाकी पूरी खबर को मैं समझाने वाला हूं, तो चलिए जान लेते हैं पूरी खबर को। और अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन होगा तो जरूर कमेंट करके पूछिएगा, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। चलिए शुरू कर देते हैं। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और बेल आइकन को दबाएं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। दोस्तों, सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि हम लोग अपने दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की जो होम वेबसाइट है, कह सकते हैं कि ऑफिशियल, उस पे हैं। तो इस पे हमें एक नोटिफिकेशन मिला था जिसमें हमें ये बता दिया गया था कि भाई जो एग्जामिनेशन हमारे होने वाले थे जुलाई में, वो क्या हो गए थे कि रद्द हो गए थे। तो इस संदर्भ में हमें ये जानकारी मिली कि आपको बताया गया कि यूजीसी ने भी एक गाइडलाइन जारी कर दी है और जिसमें उसने बता दिया है कि जो परीक्षाएं हैं कैसे होंगी। तो इसके लिए मैं आपको दिखा रहा हूं, यहां देखिएगा, वीडियो लास्ट तक देखिएगा ताकि समझ में, छोड़िएगा मत, हिंदी वाले वर्जन को मैं नोटिफिकेशन को खोल रहा हूं यूजीसी के। यहां पे एक पीडीएफ फाइल हमें मिलने वाली है, इसमें प्रेस विज्ञप्ति है 6 जुलाई की। इसमें बताया गया है कि कोविड के कारण जो विश्वविद्यालय उनकी परीक्षाओं और शैक्षणिक कैलेंडर के बारे में क्या जानकारी मिलेगी। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो यूजीसी था, उसने एक समिति गठित की थी परीक्षाओं को कराने के लिए, जिसकी रिपोर्ट 29 तारीख को कैलेंडर के लिए जारी की गई थी चौथे महीने में, लेकिन फिर अभी सातवां महीना चल रहा है 6 तारीख का। इसमें बताया यूजीसी ने कि दिशा निर्देश के प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं: विद्यार्थियों का परीक्षाओं में प्रदर्शन उन्हें सर्वश्रेष्ठ उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश दिलाने, छात्रवृत्ति और पुरस्कार उपलब्ध कराने और बेहतर नौकरी प्लेसमेंट में सहायक होता है। परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन छात्रों को अधिक आत्मविश्वास और संतुष्टि देता है। फिर अगली चीज देखिए, इसमें एक और बिंदु है जो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, अंत तक देखिएगा, इसको स्किप मत करिएगा। टर्मिनल सेमेस्टर अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों के वैश्विक स्तर पर अकादमिक करियर की प्रतियोगिताओं संबंधी दूरगामी हितों की रक्षा करता है। सितंबर 2020, इसलिए संस्थानों को सितंबर 2020 के अंत तक ऑफलाइन यानी कि कागज कॉपी या फिर ऑनलाइन के मामूड से परीक्षाओं का आयोजन करना आवश्यक है। यानी कि टर्मिनल सेमेस्टर अंतिम ईयर की परीक्षाएं होंगी सितंबर लास्ट तक। उनका अनिवार्य रूप से संभवतः उपयोग ध्यान रखते हुए कि ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों हो सके, किसी भी तरह से ये कॉलेज निर्भर यूनिवर्सिटी अपना निर्धारित करेंगी। किसी कारणवश अगर छात्र विश्वविद्यालय की परीक्षा में शामिल नहीं हो पाता तो उसे दोबारा भी मौका दिया जाएगा और बाकी जो शैक्षणिक कैलेंडर के बारे में जानकारी है वो भी मिल जाएगी। तो ये तो खैर दो बातें रहीं जो आपको मैंने बता दिया कि एक यूजीसी के लेटर से आपको क्लियर हो जा रहा है कि आपका जो हमारा ये यूजीसी का लेटर दिखा रहा है जो हिंदी विज्ञापन हिंदी फॉर्म था, कि ठीक है ये क्लियर हो गया कि यूजीसी ने स्पष्ट कह दिया है। फाइनल ईयर वालों के बारे में अभी कहा है कि फाइनल ईयर वालों का एग्जामिनेशन सेमेस्टर वाइज हो या फिर कुछ भी हो, उसको मार्कशीट पे सवाल उठ सकते हैं, इसलिए उन्हें एग्जाम देना पड़ेगा। खैर देखिए, आप लोगों के लिए खुशखबरी की बात यह है कि आप लोगों को अलग अलग यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई खबरों के बाद ही कुछ निर्णय यूजीसी ले रहा है। फिर देखिए, आज की एक खबर निकली है कि डीयू की परीक्षा रद्द करे प्रधानमंत्री, केजरीवाल ने कहा आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर डिग्री दी जाए। नरेंद्र मोदी ने शनिवार को एक पत्र लिखकर के अनुरोध किया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी और बाकी सब यूनिवर्सिटी आसपास है वहां पे, तो इस तरह से केंद्रीय विश्वविद्यालय के आखिरी सेमेस्टर या फिर ईयर के परीक्षाओं को क्या कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, ना किया जाए, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ना कराया जाए और उसको रद्द करके उन्हें जनरल प्रमोशन दे दिया जाए। ये तो एक आज की रिपोर्ट है जो निकल गया है। फिर दिल्ली सरकार ने सभी यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं रद्द कर दी, यानी कि जो दिल्ली सरकार के अंडर यूनिवर्सिटी थी वो उन्होंने रद्द कर दी और जो केंद्र सरकार के लिए यूनिवर्सिटी थी उसके लिए उन्होंने पत्र लिखा कि अंतिम वर्ष के भी बच्चों की परीक्षाएं न हो। आज अभी तुरंत की एक लाइव नोटिफिकेशन निकल के आई है कि यूजीसी गाइडलाइंस पर एक दिल्ली यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के एग्जाम रद्द कर दिए गए हैं। केजरीवाल ने पीएम को पत्र लिखकर छात्रों के भविष्य से
भविष्य को बचाने के लिए, कि आगे चल करके उन्हें कोई ऐसी दिक्कत का सामना ना करना पड़ जाए एक परीक्षा के चलते। तो इसलिए इस फाइनल खबर ये निकल के आ रही है आप लोगों के लिए कि आप लोग ये निश्चिंत हो जाइए फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वाले लोग कि आपको आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर जनरल प्रमोशन दे दिया जाएगा। लेकिन जो अंतिम वर्ष के सेमेस्टर एग्जाम्स बचे हुए हैं, चाहे वो आपके यूजी या पीजी के हों, तो वो आप लोगों को देने पड़ सकते हैं। इसके संदर्भ में अभी भी कंफ्यूजन बना हुआ है, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने रद्द कर दिए हैं, वो केंद्र सरकार से बार बार कह रहा है कि आप भी रद्द कर दीजिए ताकि बच्चों को एग्जाम ना दे करके जनरली प्रमोशन दे दिया जाए। इसी बीच आज की एक बड़ी खबर भी निकल के आई कि सैटरडे और संडे उत्तर प्रदेश में 2 दिन लॉकडाउन रहेगा, तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग घरों पे ही रहें। और फिलहाल अगर बाकी कोई भी सवाल हो तो आप जरूर कमेंट करें, मैं उन सवालों के जवाब दूंगा। तब तक के लिए गुड बाय, फिर मिलते हैं एक नए नोटिफिकेशन के साथ।